नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक पैनासोनिक का होम थिएटर आया है। ठीक है, ये जो है 4 स्पीकरों वाला है। इसमें दिक्कत क्या है, पहले तो इसने चूहे ने इस तरह से इसको काटा है। तो पहले इसको आपको दिखाते हैं अंदर में क्या काट दिया है। देखिए, ये पूरा जाली वगैरह सब काट दिया है। काट देने के बाद कस्टमर खुद ही खोला है, इसको खोल के साफ़ किया है, अंदर में जो भी कचरा वगैरह ले गया था चूहे ने। ठीक है, तो इसका जो हो पहले इसका जो ऑफर है, इसका जो वूफर है सामने का, ये वूफर भी इसने काट दिया था। इसको हमने इसको रिपेयरिंग किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, इसमें अंदर में और क्या क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाते हैं। तो खोलते हैं, खोलने के बाद इसका जो स्क्रू वगैरह है, हमने इसको थोड़ा बहुत खोल के रखा हुआ है दिखाने के लिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें जो है इसका सर्किट का कंडीशन देखिए क्या किया है इसने। पहले इसको खोल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमने इसको खोल दिया, इसका सर्किट देखिए दोस्तों, ये अंदर में कुछ इस तरह का है। इसका सर्किट देखिए, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर वगैरह जो भी पार्ट वगैरह है सब कुछ यहाँ पे देखिए। लगता है चूहे ने इधर सूसू कर दिया है, देखिए इस तरह हो गया है। तो ये देखिए इसका कनेक्शन जो है, ये वाला ये कनेक्शन को भी पूरी तरह से काट दिया है। यहाँ पे कनेक्शन लगता है ये वाला देखिए। तो इसको हम A to Z रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस रहता है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पर टूटकर इधर गिर गया है ये वाला। ठीक है, तो ये पे देखिए जम्पर वगैरह किस तरह से जंग लग गया है। तो ये पे देखिए कैपेसिटर दोनों भी खा गया है। तो इसको जो है हम आज रिपेयरिंग करने वाले हैं, देखते रहिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब। दोस्त लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले हम कैमरे को सेट करते हैं, उसके बाद इसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। तो पहले इस सर्किट को यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्रू लगा हुआ है। ये 2 स्क्रू निकालने के बाद ये सर्किट को हम पूरी तरह से इधर से निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद इसको देखते हैं इसको कैसे रिपेयर करेंगे, देखते रहिए दोस्तों। क्योंकि ये देखिए इस तरह का प्रॉब्लम, जो चूहे खाने वाला जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे होम थिएटर में आता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होने से कैसे इसको रिपेयरिंग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने बोर्ड इसका बोर्ड में जो स्क्रू लगा था खोल दिया है। यहाँ पे 2 LM लगा हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हो किस तरह का कंडीशन है इसमें। यहाँ पे 2 जैक रहता है, दोनों जैक अलग अलग होता है, छोटा बड़ा होता है। इधर ये वाला थोड़ा छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये जैक इधर नहीं लगेगा और ये वाला जैक इधर नहीं लगेगा। ठीक है, सब देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉप है इसका, ये टॉप में जो है इसका कनेक्शन जाता है, और ये कनेक्शन दोनों इसमें आने वाला है। और देखिए जितना सारा कैपेसिटर है, सारे कैपेसिटर में दांतों से काटा हुआ है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है देखिए, कितने के का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 3
और रेड होता है 3 रद, मतलब 2.2K, ठीक है, ये 2.2K रेजिस्टेंस है। ये दो रहता है इधर, ये देखिए इधर दो रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ से यहाँ पे एक रहेगा, और ये तो ये दोनों ही चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये हिल रहा है, ये टूट भी गया है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छे से लगाना होगा। और ये देखिए ये जम्पर वगैरह इधर से ये टूट चुका है, ये जम्पर भी हमको कनेक्शन करना है, क्योंकि ये जम्पर नहीं होने से नहीं चलेगा, ये जम्पर भी देना पड़ेगा, ठीक है। देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले ये दोनों कैपेसिटर को हम चेंज करते हैं, ये दोनों कैपेसिटर जो है इसको चेंज करते हैं पहले, उसके बाद दूसरा प्रोसेस करेंगे। एक निकल गया है और इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये भी चूहे ने इसको बर्बाद कर दिया है। देखिए ये चलने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये दोनों हटा देते हैं। यहाँ पे कौन से नंबर का कैपेसिटर है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 35 वोल्ट का 2200 mAh लगा सकते हैं, 4700 लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4700 तो नहीं है, हमारे पास 2200 का है, और 2200 में दो कैपेसिटर है फिलिप्स का, ये दोनों ही इधर लगा देते हैं। ये हमारे पास अभी स्टॉक में नहीं है, इसीलिए हमने पुराना सर्किट में से इसको निकाला, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर हमने इधर लगा देना है, अच्छी तरह से इसको लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंबल दिया रहता है कैसे लगाना होगा। तो कैपेसिटर जो है देख के लगाइएगा, ये उल्टा ना हो जाए, ठीक है। जो लोग जानते हैं वो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है यह पे हमको बढ़िया करके लगाना होगा। पहले इसको थोड़ा साफ़ करते हैं, ठीक है, कितना जंग लग चुका है इसमें। ये दोनों जो है जंप, मतलब रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस को भी हमको लगाना है। दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो है नंबर इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये पे कुछ धुंधला धुंधला सा है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस धुंधला धुंधला सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लगा देंगे, और ये जंपर भी, सारे जंपर को हम चेंज कर देते हैं। देखिए जंग लग चुका है, ये जंपर में करंट इधर से उधर नहीं जाने वाला है। तो ये सब चेंज करने के बाद साउंड इसका कैसे आया, चल रहा है नहीं, आपको दिखाते हैं। पहले जो है हम ये जंपर वगैरह चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने जितना सारा जंपर था चेंज कर दिया है, इसको हमने चेंज नहीं किया, ये सही है और ये भी सही है। ये तीनों 1, 2, 3, 4 ये चारों जंपर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, अच्छे से इस इधर सोल्डरिंग कर दिया है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे एक कैपेसिटर भी टूटा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर था, इसको भी लगाना पड़ेगा। ये 1 mFD 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसको भी नया लगा देंगे,
क्योंकि जितना सारा इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है सारा कंपोनेंट हमको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई इसमें साउंड की इशू होगा। ठीक है, तो इस पे कैपेसिटर लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके बाद बड़ा सा ये जो बड़ा कैपेसिटर है ये दोनों कैपेसिटर को हम इधर लगाएंगे। पहले कैपेसिटर ये 1 mA 63 volt का है और इसमें देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, इस पर देखते हैं, ये मिल गया, ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर इधर लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपेसिटर तो सारा चूहे ने काटा ही हुआ है, लेकिन ये चल सकता है, हम टेस्ट करके देखेंगे। ये कैपेसिटर इधर लग गया, इसको इधर इस तरफ से सोल्डरिंग कर देते हैं। भरा हुआ हिस्सा को काट देते हैं, ये हो चुका है। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लगाने की बारी है, तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस रहता है वो हमने पहले ही बता दिया। यहाँ पे 2K2 का रेजिस्टेंस रहता है, ये देखिए हमने 2K2 का रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंस हम इधर लगा देते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा बैठ चुका है, तो सोल्डिंग कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस का लेग को काट देते हैं, और ये दोनों रेजिस्टेंस काम क्या करता है दोस्तों हम आपको बताते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस में से इस आईसी पे वोल्टेज जाता है, जो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज आता है, ये दोनों रेजिस्टेंस में से इस आईसी में नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज जाता ही है, बेस का काम करता है। ठीक है, इस सेट में जो बेस होता है वो बेस का काम करता है इस आईसी का, और ये आईसी का नंबर क्या है हम आपको बताते हैं, 4558D इसका नंबर है। देखिए ये इस आईसी में से यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज आता है, उसके बाद ये आईसी काम करता है। ठीक है, ये हमारा बेस का आईसी है, तो सारा कुछ हमारा लग चुका है, तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जो है बाकी है, ये कैपेसिटर हम लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगाने की जगह में यहाँ पे देखिए यहाँ पर सिंबल दिया गया है नेगेटिव का है, इस यहाँ पे ब्लैंक है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों में दिया हुआ है, तो ये देखिए ये नेगेटिव पॉइंट हमने इधर नेगेटिव में लगा दिया, ये लग चुका है, तो इसको भी इधर इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है और ये नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देते हैं, ये लग चुका है, तो यहाँ पे हम अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कि बेस के वजह से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के वजह से ये कैपेसिटर जो है इसका सोल्डरिंग जो है टूट सकता है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा
ग्लू दे देना है, ग्लो मतलब ग्लो स्टिक वगैरह ऐसे कुछ दे देने से अच्छा होगा। नहीं तो ये कुछ दिन चलने के बाद ये कैपेसिटर हमारा, इसका लेग जो है टूट सकता है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर हमारा सही से लग गया है। तो अभी इसमें हम, ये हमारा बोर्ड में जो इतना सारा काम था हमने इसका पूरा कर लिया है। तो पहले इसमें जो है हम ये जो हमारा चूहे ने जो काटा हुआ है ये कनेक्शन, देखिए इसको कनेक्शन हम पहले से अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट हमारा, तो देखिए अभी ये कैसे होगा, यहाँ पे हमको सोल्डरिंग करके निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम जो है कनेक्शन देख लेते हैं। ऊपर का टॉप हम खोल लेते हैं, कनेक्शन है। ये कनेक्शन हमारा कौन सा है और ये कनेक्शन कौन सा है, हम आपको ऐसे ऐसे खींचेंगे इसको। ये देखिए ये मतलब हिल रहा है, तो ये यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा जो है ऑक्स कनेक्शन में जाता है, जो कि ये वाला ये ऑक्स में जाता है। देखिए इसको खींचेंगे तो ये निकल आएगा, ये इसका ऑक्स कनेक्शन है। और ये ऑक्स कनेक्शन हमारा कहाँ जाने वाला है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड लेफ्ट राइट, प्रोग्राम ग्राउंड लेफ्ट राइट स्पीकर। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो हमको मैचिंग करना होगा कौन सा कनेक्शन कहाँ पे गया। और यहाँ पे देखिए ये जो पैनल है, इधर इधर जो टॉप में जो पैनल है इसका कनेक्शन यहाँ पे, ये देखिए ये कनेक्शन, ये देखिए इतना तक इसका चूहे ने काट दिया है। तो इसको भी हमको चेंज करना है। और ये कनेक्शन कहाँ जाने वाला है, ये जो छोटा सा कनेक्शन है इसमें लगने वाला है, क्योंकि देखिए तार तो इसका छोटा हो चुका है, तो हमको जो है इसमें ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद ही हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। यहाँ पे छेद में से इसको निकाल लेते हैं। ये निकल गया, यहाँ पे हमको थोड़ा इसको काट के निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमको जो है अच्छे से ज्वाइन करना होगा। ये हमारा इनपुट जो ऊपर से जो नीचे, मतलब इस बोर्ड में हमारा पैनल का जो ऑडियो है इसमें आने वाला है, मतलब जो भी हम ब्लूटूथ वगैरह चलाएंगे उसका साउंड यहाँ पे इन हो सकता है। यहाँ पे देखिए ग्राउंड ग्राउंड लेफ्ट राइट ये लिखा हुआ है, डाटा वगैरह 5 वोल्ट क्लॉक डाटा म्यूट, ऐसे कनेक्शन इसमें है। इसको अच्छे से छिल के उसके बाद इसमें से कनेक्शन हमें इसमें लगाना होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम इसी वायर को यूज़ करें, क्योंकि ये वायर तो देखिए यहाँ पे हमारा वॉक्स कनेक्शन है, वॉक्स कनेक्शन हमारा उतना ज़रूरी नहीं है, तो हम दूसरे कनेक्शन से भी दे सकते हैं, तो इसको ही यूज़ करते हैं अच्छा होगा। ये जो कनेक्शन है ये हमारा देखते हैं, हाँ ये अभी यहाँ पे चलेगा, इसको यहाँ तक, हाँ ये पहुँच गया।
सोल्डिंग कर देते हैं, अच्छा होगा। इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर देते हैं, ये हमने इधर सोल्डिंग करना है अभी। इसका ग्राउंड का सोल्डिंग हो चुका है, अभी जो है मेन कनेक्शन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है हीट सिंक का लगा दिया और यहाँ पे भी हमने हीट सिंक लगा दिया, तो अभी शॉर्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है ये जो कनेक्शन है आउटपुट कनेक्शन ये भी कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका साउंड सुना के, ठीक है, इसका साउंड आपको सुनाते हैं। पहले इसका आउटपुट कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आउटपुट कनेक्शन के लिए ये हमारा जो ऑक्स कनेक्शन है इसको हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है कनेक्शन हमारा ग्राउंड और लेफ्ट राइट कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है, और ग्राउंड को ग्राउंड में जोड़ देते हैं। ये हमारा जो है ये वाला ग्राउंड कनेक्शन है, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ पे हमारा ये राइट का कनेक्शन है और ये जो है लेफ्ट का कनेक्शन है, ये हो चुका है। तो हमारा इनपुट कनेक्शन भी जो हम बाहर से कॉर्ड में से बजा सकते हैं, ये इनपुट कनेक्शन भी हमारा हो गया है। तो इस तरफ हम आउटपुट और इनपुट ये दोनों कनेक्शन कर लेते हैं, नीचे आपको बोर्ड में दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए ये चारों कनेक्शन को काट के साफ़ कर लिया है। ये हमारा इनपुट कनेक्शन है, मतलब बाहर से जो कॉर्ड लगा के बजाना चाहिए बाहर का इनपुट ये वाला, और ये हमारा चारों आउटपुट कनेक्शन है। तो यहाँ पे चारों आउटपुट कनेक्शन हम कर देते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन हम अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पे हम बाहर से ही कनेक्शन कर देते हैं क्योंकि पीछे जो है देने से जो वायर है वायर हमारा छोटा हो सकता है, इसीलिए हमको इस तरफ से दे देना होगा। एक एक करके ये कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद आपको इसका साउंड सुनाते हैं, ये साउंड बराबर आया है या नहीं। ये हमारा लगभग चारों कनेक्शन हो चुका है, एक कनेक्शन बाकी है, इसको भी लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये चारों कनेक्शन हमारा हो चुका है। हम देखते हैं थोड़ा हिला करके, ये नहीं हिलता है। अभी ये जो कनेक्शन है ये लास्ट में है इसका ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद इसका जो लेफ्ट कनेक्शन है ये सफ़ेद कनेक्शन, इसका वाइट कलर का ये लेफ्ट का है। ये हो चुका है और देखिए सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इसको अभी हम चेक करेंगे, इसका साउंड सुनेंगे, साउंड वगैरह सही से आ रहा है या नहीं, ठीक है।
देखते रहिए, और देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में जितना सारा वीडियो है सब फेक वीडियो नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है। देखते रहिए दोस्तों। तो इसको हम अभी थोड़ा सा इसका स्पीकर लगा करके इसमें साउंड वगैरह चेक करते हैं, साउंड वगैरह सही से आ रहा है या नहीं। क्या देते हैं, ये हो गया यहाँ पे। और एक चीज़ है, हम आपको लास्ट में दिखाएंगे क्या करना पड़ेगा और कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने इसको लाइन दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है, इसको लाइन देते हैं। ये हमने इसमें पावर सप्लाई ऑन कर दिया। ये देखिए रेड लाइट इसका जल चुका है। तो यहाँ पे स्टैंड बाई रिलीज करने से पहले ये जो वॉल्यूम है इसको घुमाने से स्टैंड बाई हो जाता है। ये देखिए प्ले भी हो चुका है। अभी आपको एक चीज़ दिखाएंगे, एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कॉर्ड इसका टूट गया है। ये टूटने के वजह से यहाँ पे